गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पोएम 2 ऑफ योर इंग्लिश बुक हनीड्यू। पोएम्स नेम इज ज्योग्राफी लेसन। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम पोएट डिस्क्राइब्स व्हेन वी आर अबव फ्रॉम द ग्राउंड in a aeroplane or jet plane, how this earth look like, how it appear, all this is described in this poem. So let us come, we will study the poem. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप इमेजिन किए हैं, क्या आप कल्पना किए हैं यदि आप 10,000 feet above the ground, यदि ग्राउंड से आप 10,000 feet ऊपर हैं आसमान में, तो ये धरती, ये ज़मीन किस तरह से दिखाई देता है? क्या इसे कभी इमेजिन किए हैं, कल्पना किए हैं? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ज्योमेट्रिक डिजाइन। क्या ये ज्योमेट्रिक के द्वारा बहुत अच्छे से डिजाइन करके बनाया गया है या तो और कुछ? इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। और जब तुम आसमान से धरती को देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये धरती के जो सिटीज़ हैं, जो गांव हैं, शहर हैं, ये एक्चुअली प्लान करके नहीं बनाया गया है। ये हमारे आवश्यकता की चीज़ें जो है, ये बनना था से बनाया गया है। सो स्टूडेंट्स, हियर ऑल्सो द पोएट गिव्स अस हिज डिस्क्रिप्शन व्हेन ही लुक्स द अर्थ फ्रॉम अबव। ओके, सो लेट अस बिगिन द पोएम। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, इट वॉज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. So students, sprang means बहुत तेज गति से उड़ान भरना। ओके, व्हेन द जेट प्लान स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट प्लान आसमान में तेज गति से अपना उड़ान भरता है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी, तब क्लियर होता है कि सिटी क्यों बना है। हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, क्या वे जैसे उन्हें डेवलप करना था, जैसे उन्हें बनना था, उसी तरह से बने हैं। सेम्स इट स्केल्ड 6 inches टू द माइल, और आसमान की ऊंचाई से जब हम जेट प्लेन में बैठे हुए किसी भी दूरी को देखते हैं, या माइल्स की दूरी बहुत कम दूरी प्रतीत होता है। ओके, वो बहुत निकट दिखने लगता है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, और धरती में जितने भी शहर, टाउन और गांव जो बने हैं, वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें बने हैं,
वो हमारे ज़िंदगी की ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हम उन्हें अवॉइड, उन्हें नहीं हटाया जा सकता है या उसे नहीं अवॉइड किया जा सकता है। अबाउट वाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हाफाजार्ड, क्या वे बिना प्लान और बिना ऑर्डर के बने हैं? वो बिना प्लान और ऑर्डर के बने तो हैं, पर वो हमारे ज़रूरत की चीज़ है ना, हमारे ज़िंदगी के ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसे हॉस्पिटल हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, ये हमारे जीवन की ज़रूरत की चीज़ है जो धरती में बना हुआ है। ओके, इसका कोई प्लान नहीं करके बनाया गया कि हमारे जीवन में इन सारे चीज़ों का प्लानिंग होना चाहिए जो ज़रूरत की चीज़ है। जब ज़रूरत हुआ वो बन गया। ओके, देन अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, तो कहता है कि ये पूरा शहर, ये पूरे गांव टाउन, ये सभी बिना प्लानिंग के बनाया गया है और ज़रूरत के अनुसार। ओके, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, तो जब आसमान में ये जेट प्लान अपने उड़ान भरता है तो वो पोएट ऊपर से देखते हैं और उसके दिमाग में यही सवाल आते हैं। ओके, नाउ व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 feet, 10,000 feet इज अराउंड 3 किलोमीटर। ओके, 3 किलोमीटर एंड सम फीट। सो जब जेट प्लान धरती से 10,000 feet ऊपर जाता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, और वहाँ से ये पता लगता है कि जहाँ पे नदियाँ हैं, जहाँ पे वैलीस हैं, वहाँ लोगों का भीड़ या लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। ओके, और इसके पीछे ज्योग्राफी के द्वारा एक लॉजिक है और वो है कि रिवर और वैली ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे आसानी से पानी हमें उपलब्ध हो जाता है जो हमारे कृषि और हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए उपयोग होता है। ओके, एंड क्लियरली डिलीनिटेड, और ये डिलीनिटेड का मतलब होता है शोन, और ये साफ साफ दिखाई देता है कि वैली और नदियाँ ये इंसान को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है क्योंकि इन जगहों पे हमें आसानी से पानी उपलब्ध हो जाता है जो हमारे जीवन की बहुत ही नेसेसरी चीज़ है। ओके, देन व्हेन द जेट रोज 6 mile हाई, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और जब जेट प्लान 6 mile ऊपर जाता है, 6 mile इज ऑल्सो 6 किलोमीटर अराउंड। ओके, तो 6 mile ऊपर जाता है तब ये पता लगता है कि धरती से ज़्यादा समुद्र ज़्यादा है, धरती से ज़्यादा समुद्र है। ओके, पानी है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉसेस टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड ऑल अक्रॉस सिटीज एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट, इट वॉज नॉट क्लियर वाई। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि आसमान के ऊपर जाने से सब चीज़ तो पता चल गया कि धरती में ज़मीन से ज़्यादा पानी है और वैली और घाटी लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती है अपने पानी की वजह से, और धरती में जितने भी
टाउन, शहर और इमारतें बने हैं वे हमारे ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बने हैं। ये सारे चीज़ तो पता चल गया, पर ऑथर कहते हैं कि धरती में जितने भी लोग हैं वे इतने नफरत एक दूसरे से क्यों करते हैं, और आपस में एक नफरत, एक जलन, एक ईर्ष्या का वाल दीवाल क्यों खड़ा करके रखते हैं, और एक दूसरे को क्यों मारते हैं, क्यों किल करते हैं, ये उन्हें उस ऊंचाई पे जाने से भी पता नहीं हो पाया। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन। दिस वॉज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ पोएम बाय पोएट। सो यू ऑल्सो अंडरस्टूड, सो आई होप यू गॉट इट। थैंक यू।